आदमी है, जो आदमी हमें जिस चीज के लिए रोकता है हम वही करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम की जय, हमें की जय। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है और उनके मैं घर पे आ गया हूँ। धोखे से तो भारत के इतिहास में एक नई लाइन ये भी लिख दी कि किसी दरबार में बिना। बहुत ज्यादा तेज बारिश आने लगी ना, तो इस वजह से हम यहाँ रुक गए हैं। यहाँ से जो बागेश्वर धाम की डिस्टेंस है, अब सोच सकते हैं ये पैदल चल पड़े हैं पूरा बागेश्वर धाम। मैं तो कहाँ साइकिल से जा रहा हूँ, तो पहुँच पाऊंगा भी कि नहीं पता नहीं। उनका अर्थ समझा दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ और इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तो जो नहीं जानते हैं इनका मतलब, सनातनी धर्म का मतलब, तो आपके माध्यम से वो जरूर जान जाए। सनातन धर्म का मतलब होता है अपने मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका आदि से अनंत तक सबसे प्राचीन धर्म अपना सनातन धर्म है। और हम हर सनातनी और हर भारतवासी, हर अखंड हिंदुस्तान पुराना जो है, उस पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को यह गर्व है कि अपन सनातनी हैं। और अपने सनातन धर्म में सदियों पीछे चले तो जब पूरी दुनिया शिक्षा नहीं जानती तो शिक्षा क्या चीज, लोग कहते हैं ना कि हम विदेश के हम आगे। जब पूरे विश्व में लोग शिक्षा नहीं जानते थे, तब आदिकाल में अपने यहाँ पर गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल सुने या हाँ, गुरुकुल जानते या वो फिल्मों के माध्यम से रियलिटी में जिसमें ऋषि मुनि वगैरह पढ़ाते लिखाते थे, तब अपने गुरुकुल चलाए और लोगों को शिक्षा दी, धनुष विद्या दी, पढ़ना लिखना सिखाया। ये अपने सनातन धर्म की खूबी। और इसके बाद अपन चले इसी सनातन धर्म में अपने भारत की जीरो उसने सनातन इतनी बखूबियाँ पूरे विश्व में, आज जो पूरा विश्व चल रहा है सिस्टम नीचे। बजरंग बली की दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अनिरुद्ध रोयल, ऑल इंडिया साइकिल राइडर। तो रात तो मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी भी थी। अब मैं थोड़ा स्नैक्स करके अब यहाँ से फिर निकल पड़ूंगा, क्योंकि अब मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से। सच में यहाँ के जो ओनर थे वो काफी अच्छे थे, जिन्होंने मुझे रात को ठहरने का यहाँ पे मौका। फाइनली मैंने उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त कर दी और मैं बढ़ चला हूँ मध्य प्रदेश की ओर। सच में जैसे ही मैं एमपी में 500 किलोमीटर एंटर हुआ तो बस ये माउंटेन एरिया स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं ना, इतनी सारी चढ़ाई करने के बाद एक जगह मिली, मैंने साइकिल यहाँ रोका और एक ये अच्छे मेरे को दोस्त मिल गए और हम सब जा रहे हैं ऊपर में। एक यहाँ पे मंदिर है और ऊपर जा रहे हैं हम धीरे से। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है, बेहद ही खूबसूरत। तो बजरंग बली की भी मंदिर है। ओ जय बजरंग बली। देख रहे हो हवा कैसी टाइट हो रखी है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, दिक्कत है, सांस फूल रही है ना चढ़ाई करने के बाद, और वो भी साइकिल चला रहा हूँ। कुछ ऐसा है ये जगह, और बजरंग बली की मंदिर वहाँ है। और फिर मैं आगे बढ़ चला हूँ। मंदिर काफी खूबसूरत मंदिर था और वो है ना बजरंग बली की मूर्ति है उसमें, बजरंग बली की। रास्ते में मुझे है ना तीन भाई मिले जिन्होंने मेरी मेहनत को देखा और वो रुक गए और मुझे बोला कि आप पानी भी ले लीजिए। और सच में इन जैसे से ही है ना, हाँ चलिए ठंडा चलेगा। और इनसे इन जैसों से मिलकर ही मेरे को बहुत खुशी होती है। देख रहे ना, और बड़े भाई, थैंक यू भाई, इन्होंने पानी मेरे लिए किया है। सच में एक बात तो है, इंसानियत अभी भी बची हुई है। भाई एक बार इधर देखना, हाँ थैंक यू भाई। और सब बढ़िया ना? हाँ और सब बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा है। इस हाईवे का नाम पन्ना खुजराहो मार्ग है, ये NH 39 है और यहाँ पहला
टोल टैक्स आ गया है यहाँ पे। और यार धूप बहुत ज्यादा है, अब एक छोटा सा इस तरीके का मिला है मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को। अब इधर ही रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ यार, बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा। ए बजरंग बली की हाय प्रभु। एक ये ट्रक वाले भाई मेरे को बहुत मिले। और हाँ हाँ रुकता हूँ बड़े भाई, आप सबके प्यार से ही तो रुकता हूँ। एक मुझे बड़े बहुत अच्छे बड़े भाई मिले, आइए 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 नीचे आइए। इन्होंने मेरे को देखा और अपनी गाड़ी साइड में कर दी। बड़े भाई इनसे मिलके अच्छा लगा। जय बजरंग बली की जय हो। बड़े भाई 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 आप जो बस गले मिली आप हमारे। ओ भाई सच में देख लो इन्होंने ट्रक रोक के मेरे से मिलने उतर गए, क्योंकि मैं बता दूं ये बहुत इनका दिल अच्छा होगा इसीलिए मेरे को देख के रुके हुए। आपका क्या नाम हुआ? होटल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा यार, ये सुनसान सा एरिया है, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है और सच में साइकिल अब चल नहीं पा रहा है बहुत ज़्यादा। और इस रास्ते में है ना ये छतरपुर के जो रास्ता है सतना से मैं निकल चुका हूँ, छतरपुर से अब जा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीज है यार, बहुत ज़्यादा चढ़ा चढ़ा के हालत ख़राब हो गई है। अभी भी ये देखिए एक ब्रीज है, मैं दिखा रहा हूँ ये ब्रीज है, ये ट्रेन आ रही है उधर से। भूख बहुत जोर की लग रही है और अब इस पे साइकिल चढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब अगर मुझे आधे घंटे के अंदर खाना नहीं मिलेगा ना, कहीं ढाबा नहीं मिलेगा, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यार। खाना अब मुझे चाहिए सच में, बहुत जोरों की भूख लगी है। और ऐसे चला रहा हूँ मैं साइकिल, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। ओह माय गॉड, हे बजरंगबली कहीं ढाबा मिल जाए कुछ खाने को। जो मेरे पास था सारा कुछ खाना, बिस्किट नमकीन ये मैं खा चुका हूँ, अब मेरे पास ऐसे खाने को कुछ नहीं है, बस अब मुझे जल्दी से जल्दी ढाबा मिल जाए हे भगवान, तो मैं कुछ खा के रेस्ट करूँ, नहीं तो चक्कर खा के गिरना पड़ेगा। फाइनली एक मेरे को ढाबा मिला, लेकिन देखने में तो लगता है कॉस्टली होगा, अब जाने के बाद ही पता चलता है अंदर जाते हैं। लेकिन भूख जोर की लगी है, क्या करूं, भले कितना भी महंगा हो अब तो खाना तो पड़ेगा ही मुझे, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा। ढाबा ऐसा है कि मैं बता दूं दोस्त कि मुझे एक भी रुपये नहीं लिया गया खाने का, क्योंकि मैंने मनपसंद अपना सारा खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ। और यहाँ फर्स्ट ऑनर ने मुझसे एक भी रुपये नहीं लिया, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ढाबा गजब का था, यहाँ से अब मैं चल पड़ा हूँ, ये हाईवे है, अब यहाँ से आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। बारिश थोड़ी सी रुक गई है तो मैं निकल पड़ा हूँ, ये देख रहे अभी भी बादल है ना, गरज ही रहा है, बस जल्दी से जल्दी कुछ मिल जाए आगे, भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। ये हाईवे है और रात को मौसम खराब है, देख रहे हैं ना पूरा मौसम खराब है। और मुझे बहुत अच्छे सर मिले, ये होटल के ओनर है और इन्हें मैंने प्यार से पूछा तो इन्होंने एक ही बार में बोला कि हाँ आप रह सकते हैं, आप अपना सामान अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, इनके जैसा आदमी होना चाहिए, इनका बहुत अच्छा दिल है सर, बहुत अच्छा लगा है। ये ढाबा अभी तो रिसेंटली बनाया ये और धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। और यहाँ पे मैं जब रात को रुका तो इन्होंने मेरे भाइयों ने बहुत ही मदद की यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, इन्होंने मेरे से एक रुपये भी चार्ज नहीं लिया। आप सोच सकते हो इनका नेचर कितना अच्छा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जो भी श्रद्धालु अगर बाय द वे जा रहे होंगे आप बागेश्वर धाम, तो एक बार इन सबसे भी जरूर यहाँ पे आइएगा, यहाँ चाय बहुत अच्छे बनाते हैं
और खाना भी बहुत अच्छा लाजवाब बनता है। एक बार खा के देखिएगा, यहाँ जब भी आए तो एक बार मौका मिले तो इन भाई से जरूर मिलेंगे। ये हैं, और अभी ओनर जो थे ना यहाँ से, वो घर पे चले गए हैं। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, थोड़ी देर में निकल जाऊंगा इसीलिए। तो बस अब भाइयों से, ओह ये आ गए इन्हीं का नाम लिया और ये 100 साल जिएंगे, देखिए इनका नाम लिया और ये आ गए। अब इनसे अलविदा लेते हैं और हम चल पड़ते हैं अभी। दो मिनट रुको, एक आदमी आ रहा है। देख रहे हैं, सुनसान, पूरा सुनसान है ये रास्ता, कोई नहीं आ रहा है नहीं जा रहा है, ऐसा रास्ता है। ये पन्ना से थोड़ा सा पीछे पड़ता है, ये लगभग ऐसे 10 से 12 किलोमीटर होगा। लग रहा है कि मैं कौन सी बिरानी जगह में आ गया हूँ, रियल में ऐसा है ये सब कुछ। एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं, इक्की दुक्की गाड़ी चल रही है इस समय, लेकिन वो भी वही गाड़ियाँ चल रही हैं जो बागेश्वर धाम जा रही हैं। ये ऐसा पूरा सुनसान सा रास्ता देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे 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 करके रास्ते हैं। देख रहे हैं ना कितना घनघोर जंगल है, ये पूरा जंगल एरिया है, और पहाड़ों पे इतना चढ़ाई, पहाड़ पे चढ़ते 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 ये सब जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये शेर चीता देखने के लिए। इस जंगल में आपको सभी के सभी पशु जानवर मिल जाएंगे देखने को, सफारी पे सब जा रहे हैं घूमने को। जिसे टाइगर देखने का शौक है तो हाईवे ये 39 है, और जो कि छतरपुर जा रहा है, मैं जा रहा हूँ बागेश्वर धाम। आपको बताया था ना, ये जो जंगल है ये, इस जंगल में शेर पाया जाता है, और ये देख रहे हैं ना शेर। और आपको अगर देखना है तो ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये आप सबको दिखा सकता है। ये देख रहे हैं ना पर्यटक सूचना केंद्र। मेरी सांसें फूली हुई है क्योंकि ये पहाड़ चढ़ाई एरिया है और ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो इसीलिए मेरे को इस जगह से जल्दी निकलने के लिए एडवाइस दी गई थी। क्योंकि काफ़ी देखा था ना आपने, आपको मैंने दिखाया था कितना पीछा घनघोर जंगल था, तो उनमें ये सारे, ओह माय गॉड, बाप इतनी भागते भागते बड़ी स्पीड से साइकिल चलाया मैंने ये जंगल क्रॉस करने को। अब ये जंगल क्रॉस हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। मेरे पास भी है कुछ देने को इन सब के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये लो खाओ खाओ खाओ। घोर जंगल में मेरे को बेहद ही खूबसूरत देखने को मिला एक चीज, जो ये पूरी कितने आदमी की टोली है, ये 23 लोगों की, और ये सब पैदल जा रहे हैं बागेश्वर धाम। और देख रहे बजरंगबली का ध्वज लेके चल पड़े हैं ये बागेश्वर धाम। मुझे इन सभी से ही तो वो मिलता है हिम्मत। अब सोच सकते हैं ये पैदल चल पड़े हैं पूरा बागेश्वर धाम, मैं तो कहां साइकिल से जा रहा हूं। तो ये भी मेरे से भी बड़े बहुत ही हिम्मत वाले हैं जो कि पैदल चल पड़े हैं। सच में इन लोगों की मैं इतना ही कहूँगा कि बागेश्वर धाम बाबा सरकार सबकी मुरादें पूरी करे, कि उन्हीं की मुरादें से, उन्हीं की इच्छा शक्ति से सब में जो शक्ति आती है, और उसी शक्ति से हम सब बढ़ते जा रहे हैं रियल में। बस इतना ही कहूँगा उन्हें बजरंगबली की कृपा से। मैं भी देख रहे हैं बजरंगबली का एक ध्वज अपने साथ लेके चला हुआ हूँ, जिससे इनसे मेरी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और मुझे कहीं रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है, इन्हीं की कृपा है, और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। और ये जंगल है, ये जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, और यहाँ पे आपको शेर वगैरह सब कुछ मिलता है। ये पन्ना का रिजॉर्ट एरिया है। बजरंगबली की जय, जय बागेश्वर धाम की जय। बहुत दुख हो रहा है यार, क्यों? क्योंकि मेरी लाडो है ना, अब थोड़ा सा गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया मेरी साइकिल में, मतलब मेरी लाडो यार, इसका चैन है ना वो पीछे वाला, वो खराब हो गया है। देख रहे ना आवाज बहुत आ रहा है, और बड़ी दिक्कत से चला रहा हूँ साइकिल, जैसे जैसे करके यहाँ से जो थोड़ा जो डिस्टेंस है, पूछा है मैंने कहीं लोगों से
तो उन्होंने बताया कि आपका कुछ दूर बाद आपको एक अच्छी सी जगह आ जाएगी, तो आप वहां जाके अपनी साइकिल को रिपेयर करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। सच में यार बड़ा दिक्कत हुआ, अभी तक तो इसने मेरे को धोखा नहीं दिया और अभी भी मेरा ये साथ निभा रही है। बस मैं भगवान को करता हूँ बजरंगबली की कृपा से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर देन इसको मैं ठीक कराऊँगा, बस जैसे तैसे मैं प्लीज़ वहाँ तक पहुँच जाऊँ। थैंक गॉड यार बहुत, और मौसम भी बारिश वाला हो गया है और मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, बड़ा बहुत दिक्कत है। क्या करूँ, अचानक ही इतनी सारी मुसीबत एकदम सर पे आना स्टार्ट हो गया है। क्या यार क्या बात, बारिश कितनी ज़्यादा तेज होने लगी है यहाँ पे रास्ते में, और यहाँ से जो है सब बचने के लिए यहाँ पे रुक गए हैं और क्या हाल है, कैसे रुके हुए हैं यहाँ पे इस जगह। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने लगी ना, तो इस वजह से हम यहाँ रुक गए हैं। यहाँ से जो बागेश्वर धाम की वो यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, और जैसे ही बारिश रुकेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उन्हीं की कृपा है कि मैं एक यहाँ पे बस रेस्ट करने के लिए रुका था और बताओ 1 मिनट में बारिश होना स्टार्ट हो गया रियली में। बस अब जैसे ही बारिश थमेगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और मैं अभी इन बकरियों के साथ थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। आखिरकार जानते हैं मैं पहुँच गया, और ये आपको पता है ये घर किन का है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है और उनके मैं घर पर आ गया हूँ। काफी लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे यहाँ पे आने के बाद, देख रहे हैं ना ये उनका घर है। वो अभी सरकार की जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो बाबा की जय, हमें की जय, बालाजी सरकार की जय। ये जो देख रहे हैं ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत खुशी मिली मुझे और काफी अच्छे लोग मिले, बहुत ही प्यारे लोग हैं ये सब जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मैं इनसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ, सच में ऐसे लोग मुझे लाइफ में मिलते रहेंगे तो मैं संपूर्ण भारत अच्छे से ट्रैवल कर लूंगा। बस भगवान बजरंगबली की कृपा ऐसे ही बने रहे और अच्छे लोग ऐसे मिलते रहे जो कि मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता रहूंगा। श्री राम, चलिए फाइनली मेरे को चाय मिल गई है, ये देख रहे हैं चाय। लाया जा सकता जिस धाम पर हम आप बैठे हैं, स्वयंभू स्वप्रकट बागेश्वर बालाजी के जिस दरबार में हम आप आए हैं, उनका एक नाम संकट मोचन है, और संकट मोचन के दरबार में संकट भग जाते हैं। अब तो कहना आदमी है, जो आदमी हमें जिस चीज के लिए रोकता है हम वही करते हैं, इसीलिए भी करते हैं कि चुनौतियों से तो बुद्धू डराते हैं। जिनके पास अगर धरा हुआ हो मटेरियल वो क्या खाद डरे भाई, प्रश्न का उत्तर देने से वो डरते जिन पे उत्तर है नहीं, है नहीं जी, जिन पे है वो क्या खाद डरे। और अगर वो फंस जाता मुंबई में धोखे से तो भारत के इतिहास में एक नई लाइन ये भी लिखती कि किसी दरबार में बिना कपड़े का एक तर्कशास्त्री भागा। हम छोड़ते तो बिल्कुल नहीं, पहले तो पर्चा बनाते और उसने जितने गुप्त विवाह कर रखे वो बताते, अबे उसके बाद में चमीटा वाला देवता बुलाते।